इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल फोटोज क्या है और उसको मैं यूज कैसे कर सकते हो। तो गाइस, जो गूगल फोटोज है वही गूगल का एप्लीकेशन है जो सभी एंड्रॉइड मोबाइल में अवेलेबल होता है। नहीं है तो आपको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपका जो फोटोज वीडियो है वही आपको गूगल फोटोज में आपको सेव रख सकते हो। तो गाइस, आपको जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो तो उसमें कई सारे जो एसडी कार्ड में इमेजिंग वीडियो होता है, लेकिन आपका जो एसडी कार्ड है वही आपका क्रैक हो जाता है, आपका जो खराब हो जाता है, लेकिन आपका जो गूगल फोटोज है उसमें आपको जो इमेजिंग वीडियो है वही आपको उसमें सेव रख सकते हो। तो आइए हम जानते हैं कि गूगल फोटोज एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हो। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में गाइस आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो गूगल फोटोज एप्लीकेशन है वही आपको ओपन कर देना है। तो चलिए मैं गूगल फोटोज एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। तो गाइस, आपको इस तरह ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो स्क्रीन में इमेज देखने को मिल जाएंगे, आपका जो मोबाइल में जितना इमेज है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको साइनअप करना है। तो गाइस, मैंने पहले से साइनअप कर दिया है, तो आपको इस तरह ईमेल आईडी से साइनअप कर देना है। और साइनअप करने के बाद आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। तो गाइस, मैंने थ्री लाइन पे क्लिक कर दिया हूँ। और क्लिक करने के बाद उसमें आपको फर्स्ट में डिवाइस फोल्डर पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं डिवाइस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस, आप देख लीजिए कि आपका मोबाइल में जितना जो फोल्डर है, आपका जो इमेज का फोल्डर है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, जो हमारा कैमरा का फोल्डर है उसको मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस, मैंने कैमरा का फोल्डर है उसमें मैंने ओपन किया है। तो गाइस, हमारा जो कैमरा का फोल्डर में जितना इमेज है वही हमारा आ गया है। तो इस तरह आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस फोल्डर को आपको बैकअप लेना चाहते हो तो आपको बैकअप पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो मोबाइल में कैमरा का जो फोल्डर है, तो इस फोल्डर में आपको जो एसडी कार्ड से जो फोटो डिलीट भी हो जाए तो आपको जो उसमें बैकअप भी मिल जाए। तो आपको बैकअप एंड साइन पे क्लिक करना है। तो चलिए, उस फोल्डर का मैं बैकअप लेना चाहता हूँ, तो मैं बैकअप एंड साइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको बैकअप एंड साइन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जिस ईमेल आईडी है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए, इस ईमेल आईडी मैंने सिलेक्ट करता हूँ। तो आपको इस तरह ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद उसमें आपको हमारा जो ईमेल आईडी है वही हमारा आ गया है। तो सबसे पहले आपको बैकअप मोड है तो उसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको जो बैकअप कर रहे हो तो उसमें आपको क्वालिटी आपके हिसाब से सिलेक्ट करना है। मान लीजिए ओरिजिनल क्वालिटी रखना है, हाई क्वालिटी रखना है, तो आपके हिसाब से उसमें सिलेक्ट कर देना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको सेल डेटा पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपको जो डेली जो बैकअप लेना चाहते हो तो उसका आपको एम बी कितना रखना है, तो आपके हिसाब से उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। जो आपको 30 MB को रखना है, अल्टीमेट रखना है, तो आपको सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह आपको डेली का एम बी उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। जो आपको बैकअप होता है वही आपको मोबाइल से डेटा से बैकअप होता है, तो इस तरह आपको सिलेक्ट कर सकते हो। गाइस, आगे जो है बैकअप एंड डिवाइस फोल्डर पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितना फोल्डर है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे। जिस फोल्डर को आपको बैकअप लेना चाहते हो इस फोल्डर पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस, आप देख लीजिए कि हमारा जो कंप्यूटर का फोल्डर है उसका मैं बैकअप लेना चाहता हूँ, तो आपको यस कर देना है। तो आप देख लीजिए कि मैंने यस पे क्लिक कर दिया, तो उसमें हमारा बैकअप ऑन हो गया है। तो इस तरह आपके हिसाब से जिस फोल्डर का आपको बैकअप लेना चाहते हो इस फोल्डर आपके हिसाब से उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह आपको बैकअप कर सकते हो। तो चलिए, मैं आ जाता हूँ बैक। तो गाइस, आपको बैक करना है। और बैक आने के बाद आपको गाइस आगे जो हमारा थ्री लाइन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आगे हमारा जो अर्काइव पे क्लिक करना है। तो गाइस, आपको अर्काइव पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको जिस फोटो को आपको सिक्योरिटी रखना चाहते हो तो उसमें सिक्योरिटी कर सकते हो। तो चलिए, मैं प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद मान लीजिए हमारा इस फोटो को हमें सिक्योरिटी रखना है, तो उसमें क्लिक करके आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने डन पे क्लिक कर दिया, तो आप देख लीजिए कि हमारा आर्काइव जो फोल्डर था तो इस फोल्डर में हमारा एक इमेज उसमें आ गए। तो इस तरह आपके हिसाब से उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, हमारा जो आगे है ट्रेस, मान लीजिए आपने किसी भी फोटो को डिलीट किया है वही आपको ट्रेस में दिखने को मिल जाएंगे। जो इमेजिंग वीडियो आपने डिलीट किया है
उसमें आपको दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो साइट डे आपको दिखने को मिल जाएंगे, इससे आपका ज़्यादा होगा तो उसमें ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आपने जो इमेजिंग वीडियो डिलीट किया है वही आपको ट्रेस में दिखने को मिल जाएंगे। तो गाइस हमारा जो आगे ऑप्शन है वही है सेटिंग, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो मैंने आगे आपको बताया था बैकअप एंड साइन, तो इस तरह आपको उसमें यूज कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो आगे है आपको एल्बम्स पे क्लिक करना है, तो गाइस मैंने फोटोज़ के बारे में आपको बता दिया है, और आपको एल्बम्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद उसमें कई सारे जो प्लेस का आपको बनाना है तो आपको प्लेस का बना सकते हो, और आपको थिंग्स का बनाना है तो आपको किसी भी जगह पर आपको घूमने जाते हो, तो इस तरह आपको लोकेशन सिलेक्ट करके उसमें आपको बना सकते हो। तो गाइस हमारा जो आगे है फॉर यू, तो उसमें आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद उसमें जो एल्बम मोइस बनाना चाहते हो तो उसमें आपको बना सकते हो। तो चलिए मैं एल्बम्स पे क्लिक करता हूँ, तो आपको इस तरह क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, तो आपको एड टाइटल पे क्लिक करना है, और उसमें आपको टाइटल लिख देना है। तो चलिए मैंने पीछे टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद आपको सिलेक्ट फोटो पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट फोटो पे क्लिक करता हूँ, तो आपका जितना फोटो सिलेक्ट करना है उसमें आपको सिलेक्ट करके वो एड पे क्लिक कर देना है। तो गाइस मैंने एड पे क्लिक कर दिया, तो हमारा जो एल्बम से वही हमारा बन गया है। तो इस तरह आपको एल्बम को बना सकते हो, बैक करना है तो आपको बैक पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन आपको किसी भी इमेज को आपको शेयर करना चाहते हो, मान लीजिए हमारा जो इस कैमरा का जो इमेज है तो उसमें मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आपको फोटोज पे क्लिक करना है, जितना फोटो आपको शेयर करना चाहते हो तो आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जो व्हाट्सएप में शेयर करना चाहते हो, जीमेल पे शेयर करना चाहते हो, तो इस तरह आपको फेसबुक में भी शेयर कर सकते हो। तो इस तरह आपको फोटोज़ को शेयर करना चाहते हो तो इस तरह शेयर भी कर सकते हो। तो गाइस आपको इस तरह जो गूगल फोटोज है वही आपको यूज कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कि हमारा जो बैकअप फोटो है वही हमारा स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह आपको इमेजिंग वीडियो है वही आपको उसमें बैकअप भी कर सकते हो, और आपको सिक्योर रख सकते हो। तो इस तरह आपको गूगल फोटोज यूज कर सकते हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।